गैरिल मगदूबी अलैहिम, ना उन लोगों का जिन पर तू गज़ब किया, वलद्दालिन, और जो गुमराह है। तफसीर आयत, जुम्हूर उलमा का इत्तेफाक है कि मगदूबीन से मुराद यहूदी और दालिन से मुराद नसारा है, लेकिन मुहम्मल यह है तो मुरीद कौन, जैसे कि कुरान का मजाक है कि नुज़ूल खास होता है, मिसदाक आम होता है। इसलिए मगदूबीन व दालिन का मिसदाक यहूद व नसारा को ठहरा कर आप खुद मुतमईन न हो जाए। यहूदियों को मगदूब इसलिए कहा कि उन्होंने कितमान हक किया और आसमानी किताबों को मुहर्रिफ किया, किताब के अहकाम पर अमल न करके दुनिया मुफाद को पेश नज़र रख कर अपने ख्वाहिशात का इत्तेबा किया और उखरवी ज़िंदगी को बर्बाद किया। अब हम गौर करें कि हम में कितने ऐसे हैं जो कितमान हक कर रहे हैं और औलिया अल्लाह की तहकीर अपने मुफाद के खातिर कर रहे हैं और दीन के पर्दे में अपनी दुनिया चला रहे हैं, खुली दीन फरोशी कर रहे हैं, खुदा के दीन और खुदा के नाम को बुलंद करने के बजाय अपना मकाम और नाम बुलंद कर रहे हैं। कतन ऐसे लोग भी अल्लाह के गदब में है जो बिलामद दीन पर पर्दा डाल रहे हैं और अपने उखरवी ज़िंदगी की बर्बाद करके दुनियावी ज़िंदगी हासिल कर रहे हैं, कितमान हक करके ऐलान बातिल कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। नसारा गुमराह इसलिए है कि उन्होंने पैगंबर को खुदा का बेटा कह दिया और अल्लाह ताला को बशरी सिफात से वाबस्ता कर दिया। जो मर्तबा खल्क का था वो हक को दिया और जो हक का था वो खल्क को दे दिया। अपने गुनाहों से तौबा करने की बजाय अपने गुनाहों के कफ़ारे में अपने नबी को भेंट चढ़ा दिया, अगरचे कि इस नबी को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। हमको भी गौर करना चाहिए कि हम में कितने ऐसे हैं जो हक के मर्तबे पर खल्क को और खल्क के मर्तबे पर हक को पहुंचा दिए हैं। कोई वहदत अलवजूद के मफहूम को तहत किताब व सुन्नत ना समझकर मखलूक को खुदा बना दिया और कोई अल्लाह की माहियत व ज़हूर अनिल खल्क को ना समझकर खुदा को अर्श पर मुकय्यद कर दिया और ये लोग अपने अपने अकीदों में अपने पेशवाओं की भेंट चढ़ा दी। अल्लाह को अर्श पर मुकय्यद करने वाला इस अकीदे में अपने उस्ताद पर ईमान लाया, मखलूक को खुदा कहने वाला अपने मुर्शिद पर ईमान लाया, ये दोनों गुमराह है। अकीदा सही ये है कि अल्लाह ताला बावजूद मुस्तगनी अनिल आलमीन होने के आलम के साथ है, बेकैफ व कमियत मखलूक के साथ होने से उनके तकद्दस और शान में शम्मा बराबर भी तगैयुर ना आया। वो अलाना कमा काना है, जैसे वो तखलीक आलम से पहले था। कमा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम यकूनम माहू शैया, वो इस तरह अब भी है बाद तखलीक आलम। कमा कौल अल्लाह ताला, अल्लाहु गनी अनिल आलमीन, सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून। यही एक बात रम्स की जो समझने की है, जिसकी कुरान ने भी रहबरी की है। फसलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून अर रहमान फसल बिही कबीरा। वो समझने की बात यह है कि अल्लाह नबी के साथ है, नबी अल्लाह नहीं। नबी को अल्लाह कहना इलहाद है, अल्लाह को नबी कहना कुफ्र है। नबी के साथ अल्लाह है यह अकीदा रखना वाजिब है। जब तक इस तरह की तौहीद सालिक हासिल ना करे, इसको इबादत में खुदु है ना खुशु, ना इनहमाक है ना इदराक, ना रवैयत है ना वसला से इस्तिक्सार। इसलिए सरकार पीर हजरत गौस सकलैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अत्तौहीदु रासु तौती। बाज़ उलमा दीन के बातिन को ना समझ कर अपने तालिबे इल्म को तसव्वुफ़ की चंद किताबें पढ़ा कर ये समझते हैं कि हम तसव्वुफ़ का इल्म जानते हैं। दीन से हट कर तसव्वुफ़ कोई चीज़ नहीं। उसूल तसव्वुफ़, उसूल फ़िका, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, ये सब कुछ उसी वक़्त मुफीद
ثابت ہوں گے جب قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے، یہ سارے علوم حاصل ہو جائے۔ لیکن قرآن اور حدیث حاصل نہ ہو تو ایسے علوم سے کیا فائدہ؟ یہ سارے علوم اعلیٰ اور واسطے ہیں حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ علوم حاصل ہو جائے اور حقیقت ہاتھ میں نہ آئے، ان علوم کے حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ بیکار ہو جائیں گا۔ تصوف کا فن مدون کیا گیا تھا معنی قرآن حاصل کرنے کے لیے۔ اگر معنی قرآن حاصل نہ ہو اور طلبہ کو تصوف کی چند کتابیں پڑھا دے محض اس خیال سے کہ عوام کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم بھی تصوف جانتے ہیں، یہ کھلا دھوکہ ہے۔ جب اللہ کے واسطے دین حاصل کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس میں نفس کو داخل ہونے نہ دے۔ اپنے کام میں اخلاص پیدا کرو تاکہ اللہ اسی شان سے اس کی جزا دے۔ اگر شیء اللہ ہوتی تو انبیاء علیہم السلام کا آنا بیکار ہو جاتا، اور اگر شیء سے اللہ جدا ہو جاتا تو قرآن میں جو اسرار و حکم ہیں وہ سب بیکار ہو جاتے۔ شیء کو اللہ بولنا کمال نہیں، شیء سے اللہ کو جدا کرنا کمال نہیں۔ شیء کے ساتھ اللہ ہے، شیء اللہ نہیں، یہ کمال ہے۔ ایک بولنا الحاد ہے، دو بولنا اشراق ہے، دونوں کونے بولنا ایمان ہے۔ کچھ یوں سے جھک، کچھ یوں سے جھک، جب یار تیرے ہاتھ ہے۔ عینیت محض الحاد، غیرت محض اشراق، عینیت ما غیریت توحید۔ آمین۔ یہ نفس دعائیہ ہے اگرچہ کہ قرآن نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس لفظ کو کہنے کی اجازت دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن آمین کہتا ہے اسی وقت ایک فرشتہ بھی آمین کہتا ہے۔ جب بندہ مومن اور فرشتہ ایک ساتھ آمین کہتے ہیں تو حق تعالی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ آمین کے معنی ہے، اے اللہ میں نے جو بھی گزارش کی ہے اس کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نوری قضو شد نور ہا پیدا۔ یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون۔